हेलो भाइयों, मैं विशाल स्वागत करता हूँ आपका अपनी एक नई वीडियो में। जैसे कि यार मैंने आप सभी को बताया था मेरे पास एक बाइक है अपाची, तो उसका यार पिछला टायर मेरा हो गया था ख़राब। जैसे अगर पिछले टायर की प्रोफाइल की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 110/80R17 का देखने को मिलता है। और जैसे कि जो इसमें पहले टायर पड़ा था वो शायद TVS का ही था, और अब जो मैंने टायर इसमें इंस्टॉल करवाया है JK टायर का, और टायर प्रोफाइल जैसे कि मैंने आपको बता दिया 110/80R17 का देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको VR44 देखने को मिलता है। यहाँ पे नायलॉन का टायर है, और अगर फ्रंट टायर की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे वही बाइक के साथ वाला ये 90/90R17 है। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं नॉर्मल आपको बताऊँ कितने किलोमीटर में मेरे कितने टायर चेंज हो चुके हैं, बाइक की अगर मैं बात करता हूँ तो बाइक चल चुकी है मेरी 53,875 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये तीसरा टायर है, मतलब एक तो टायर 7 का था, फिर एक टायर मैंने और डलवाया था, और ये जो तीसरे नंबर का टायर है। तो यहाँ पे बाइक मेरी अच्छी खासी चलती भी है, और जैसे थोड़ा रोड पे भी यार डिपेंड करता है कहते नहीं। यहाँ पे जैसे कि वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जो भाई मेरे साथ हुआ है। जैसे कि टायर पंचर होता है 5-6 बार, तो कहीं भी आप टायर में पंचर जुड़वाते हैं तो टायर वाला आपसे ये कहता है, एक इसमें लिक्विड आता है जेल टाइप का आता है वो इसमें फिल कर दिया जाता है। फिर वो बोलता है आपकी गाड़ी में अगर कील वगैरह भी चली जाएगी तो हवा लीक नहीं होगी, तो उसमें वो बताता तो आपको बेनिफिट है, और आप समझ ही जाते हैं। जैसे कि मैंने भी यही सोच कर लगवाया था, लेकिन बाद में मुझे दिक्कत ये हुई थी। जैसे कि आपको अगर मैं दिखाऊं, ये जो पेंट आप देख रहे हैं पेंट जितना उधड़ गया है, और जो रिम व्हील अलॉय व्हील के अंदर जो बीच वाला पार्ट होता है विड, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा जम गया था। तो उसको हटवाने के लिए मुझे एक्स्ट्रा चार्ज मतलब देना पड़ा समथिंग 50 से 70 रुपये। बाकी मेरे यहाँ तो इतने ही गए थे, और बाकी आपके यहाँ पता नहीं क्या चार्ज हो क्या चार्ज नहीं। और अगर लिक्विड जेल की अगर मैं बात करता हूँ तो समथिंग वो 250, 300, 450, 500 रुपये तक ये लोग डालते हैं। वो हमारा यही होता है जैसे जहाँ से हमारा एयर प्रेशर पड़ता है वहाँ पे लगा के फिर हवा डाल दी जाती है, तो वो पूरे टायर में जहाँ जहाँ दिक्कत होती है वहाँ वहाँ वो अपना स्पेस ले लेता है। उसके बाद खैर थोड़े दिन तो सही चलता है, उसके बाद दिक्कत आती है। फिर जब आप टायर चेंज कराएंगे तब आपको दिक्कत आएगी, जैसे ये टायर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर नया, और जो हमारा व्हील है यहाँ पे पॉलिश छूट गई है। जैसी कंडीशन यहाँ इससे कहीं गुना बुरी कंडीशन व्हील के अंदर जो विड्थ होती है उसकी हो जाती है, जो टायर लगा होता है उसकी। मतलब मैं सुझाव यही दूंगा कि कोई भी टायर वाला अगर आपसे कहता है कि आप इसमें जेल डलवा लीजिए जिससे टायर की लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, खैर उसके बहकावे में ना आए, क्यों 500 या 400 रुपये का ये होता है। अगर टायर की मैं कॉस्ट की बात करता हूँ तो टायर की कॉस्ट की बात समथिंग 1800 मुझे देने पड़ी है। और बाकी आप वीडियो देखेंगे पूरी तो आप समझ जाएंगे कि मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो आप जब अपनी आंखों से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि क्या दिक्कत आती है क्या दिक्कत नहीं। वैसे टायर की अगर बात करते हैं तो ये आपको JK टायर की तरफ से देखने को मिलता है, और यहाँ पे अगर मैक्सिमम स्पीड की बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको 150 km/h, खैर ये तो बहुत होती है, इतने स्पीड में आजकल कौन बाइक चलाता है कौन नहीं। बाई चांस चलाने पड़ जाओ तो उसकी बात अलग है। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि इसके भैया गारंटी वगैरह कितनी है? 3 साल। बाकी कटने फूलने वापस कैसा पड़िया है जो घिसाई है वो देना पड़ेगा। क्या हुआ, दब नहीं रहा क्या?
अच्छा इसका सादा कितने को था, सादा वाला ट्यूब ट्यूब वाला नंबर बदल जाएगा तो वो कितने को होगा? तो माइलेज बढ़ जाएगा पतला है ना, बड़ी माइलेज अच्छा तो ऊपर लगेगा फिर। अच्छा टायर यार अच्छा चला, शिकायत ना मिले हमें कोई। अंदर इसके क्या निकला जी, काला काला मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा भाई साहब। अच्छा तो यार अब इसमें जो बताओ वो लिक्विड वगैरह ना डलवाएं कभी? ये डाला तो यार भैया नहीं था तुम्हारे, उन्हें हमें बताया था, लेकिन वही बात है जब खुलवाओ तो दिक्कत होता है।
इसकी यार ये देख लेना छुंची जैसे हवा कभी हम डलवा दें ये निकलने लगा थे अपने आप। ठीक कहते 40 उसमें भी चेक कर दूँ आगे वाले में। समझो 15 दिन में 4-5 बार पिंचर हो चुकी है और जब भी पिंचर जुड़ाए तो 2-2, 3-3 जुड़े हैं।